नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 12 मार्च। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सचिवालय सहायक के कई पदों पर निकाली गई रिक्तियां। इस बार बिहार वासियों का गर्मी में नहीं होगा बुरा हाल। बिहार में नदियों और पुल किनारे बालू और मिट्टी की खुदाई पर लगाई गई रोक। अब पंचायतों को मिला टैक्स वसूली करने का आदेश। इंटर कॉपी मूल्यांकन में शामिल नहीं होने वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं। पृथ्वी शॉ के बल्ले ने लगाया शानदार शतक। अब खबरें विस्तार से। बिहार पंचायत चुनाव में कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होगा अनिवार्य। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और इसके तहत राज्य चुनाव आयोग सभी जिलों को लगातार चुनावी गाइडलाइंस भी जारी कर रही है। वहीं अब एक गाइडलाइन के अनुसार आयोग ने साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव में किसी भी पद के उम्मीदवार को चरित्र प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर उम्मीदवार दुविधा में थे, मगर निर्वाचन आयोग ने चिट्ठी लिखकर स्पष्ट कर दिया है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि आयोग ने भ्रष्टाचार के 11 मामलों में पाए जाने पर चुनाव लड़ने से रोक लगाई है, जिसको लेकर के जिलों को आदेश भी जारी कर दिया गया है। इंडिया पोस्ट छत्तीसगढ़ क्षेत्र ने निकाली रिक्तियां। इंडिया पोस्ट छत्तीसगढ़ क्षेत्र ने ग्रामीण डाक सेवक GDS के कुल मिलाकर 1137 पदों पर आवेदनों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों का कक्षा 10वीं पास होना और कंप्यूटर का ज्ञान होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 7 अप्रैल 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट appost.in/gds-online/home.aspx पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। सीतामढ़ी शहर से 2 किलोमीटर दूर पुनौरा में बहुत ही भव्य जानकी मंदिर है। प्राचीन काल में यहाँ पुंडरीक ऋषि का आश्रम था। मान्यता है कि यहाँ स्थित जानकी कुंड में ही माता सीता का जन्म हुआ था। यहाँ एक पर्यटन भवन, गायत्री मंदिर, विवाह मंडप, सुंदर पार्क तथा म्यूजिकल फाउंटेन, झरना एवं फव्वारा भी है। पुनौरा सीतामढ़ी का फेवरेट पिकनिक स्पॉट भी है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। प्रत्येक वर्ष सीतामढ़ी महोत्सव नामक 2 दिवसीय भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी पुनौरा धाम में ही होता है। इस बार बिहार वासियों का गर्मी में नहीं होगा बुरा हाल। इस बार की गर्मी बिहार के लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं होने वाली है। लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ही बिजली कंपनी ने नया प्लान तैयार कर लिया है, जिसके बाद अब गर्मी के मौसम में लोगों को निर्बाध बिजली देने की तैयारी में कंपनी जुट गई है। जिसके बाद अब बिहार में 1,67,00,000 से अधिक उपभोक्ताओं को गर्मी में बिजली की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसको लेकर कंपनी ने कंट्रोल रूम पर अधिक ध्यान देने की बात कही है। इसके लिए हर जिले के कंट्रोल रूम को अलर्ट मोड में रखा जाएगा। कंपनी की यह कोशिश है कि बिजली कुल होने की सूचना मिलते ही उस खराबी को अविलंब दुरुस्त किया जाए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोगों से मिल रही इन शिकायतों के मद्देनजर इस बार बिजली कंपनी ने विशेष तैयारी की है। बिहार में नदियों और पुल किनारे बालू और मिट्टी की खुदाई पर लगाई गई रोक। बिहार के अलग अलग नदियों में बने पुल के आसपास खुदाई पर अब रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। खासकर कि बालू या मिट्टी निकासी के क्रम में इस नियम का सख्ती से पालन किया जा रहा है। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने इस बात की जानकारी दी है और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिया है। पथ निर्माण विभाग की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि पिछले 15 साल में यातायात बनाने के लिए नदियों और सैकड़ों पुल का निर्माण कराया गया है, लेकिन बार बार ऐसी शिकायतें सामने आई है कि नदियों में बने हुए पुल के आसपास या मिट्टी का खनन किया जा रहा है। जबकि यह सर्वविदित है कि संरचना के पास खुदाई होने से नदी के पुलों की नींव को नुकसान हो सकता है। सचिवालय सहायक के 1360 पदों सहित 1905 पदों पर निकाली गई वैकेंसी। बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए अहम सूचना। राज्य सरकार जल्द ही तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुट गई है। इसकी वैकेंसी के लिए जल्द ही विज्ञापन भी निकाला जाएगा। इस बार सचिवालय सहायक के 1360 पद सहित कुल 1905 पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। सभी विभागों की तरफ से रिक्तियां भेज दी गई हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से, अलग अलग विभागों की तरफ से बिहार कर्मचारी चयन आयोग को रिक्तियां भेज दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि नियुक्ति के लिए विज्ञापन अप्रैल से मई के बीच आ जाएगा। होली पर झारखंड से बिहार जाने वाली ट्रेन में अब लगाए जाएंगे अतिरिक्त कोच। होली के मौके पर घर आने वालों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ही अब झारखंड से बिहार आने वाले यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी। राज्य डिवीजन की तरफ से इसको लेकर पर्याप्त ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। इसमें से ज्यादातर ट्रेन पहले से ही चलाई जा रही है। राज्य डिवीजन के CPRO नीरज कुमार ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि होली के मौके पर बिहार या फिर दिल्ली जाने वाले यात्रियों को परेशानी नहीं होगी, बस उन्हें अब अपना टिकट समय पर आरक्षित करवाना होगा। आपको बता दें कि वर्तमान में कोरोना को देखते हुए राज्य डिवीजन से कुल 66 जोड़ी ट्रेन में से 40 जोड़ी ट्रेन ही चलाई जा रही है।
बिहार में पोशाक के लिए 75% हाजिरी अब नहीं होगी जरूरी। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को अब तक पोशाक के लिए स्कूल में 75% उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य किया गया था, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने इसको लेकर कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूल के 48 लाख से अधिक विद्यार्थियों को पोशाक खरीदने के लिए स्कूल में इस उपस्थिति के नियम को खत्म कर दिया है। इसको लेकर औपचारिक रूप से आदेश जारी करते हुए 93.35 करोड़ से अधिक की राशि भी जारी कर दी गई है। हालांकि इसको लेकर शिक्षा विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि नियमों में बदलाव केवल चालू वित्तीय वर्ष के लिए ही किया गया है। गांव की दुकानों कमर्शियल वाहनों से टैक्स वसूली कर सकेंगे पंचायत। राज्य सरकार ने 8,386 पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। ग्राम पंचायतें भी अपने दायरे की व्यवसायिक गतिविधियों पर टैक्स लगाने वाली है और इसकी वसूली भी करने वाली है। 3 महीने में पंचायत में नई सरकार का गठन होने वाला है और नई सरकार अपने क्षेत्र की व्यवसायिक गतिविधि चलाने वालों से टैक्स की वसूली करने वाली है। इसको लेकर जल्द ही नियमावली बनाई जा रही है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इस बात को लेकर कहा है कि महिला सशक्तिकरण लागू करने वाली एनडीए सरकार अब पंचायतों को भी अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए उन्हें टैक्स वसूलने की शक्ति देगी। नियमावली में दर्ज होगा कि पंचायतों को किन किन क्षेत्र में टैक्स वसूलने का अधिकार दिया जाए। बिहार में नर्सिंग शिक्षकों की नियुक्ति में सर्टिफिकेट्स जांच की वजह से होगी देरी। बिहार में नर्सिंग शिक्षकों की नियुक्ति में काफी देरी देखने को मिल रही है। बिहार स्वास्थ्य विभाग में सर्टिफिकेट्स जांच की वजह से नियुक्ति में देरी होने की बात कही जा रही है। विभाग की माने तो अब 25 मार्च तक कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट को जारी करने की संभावना जताई गई है। दरअसल बिहार तकनीकी सेवा आयोग की नियुक्तियों के लिए चयनित उम्मीदवारों के काउंसिलिंग के दौरान दस्तावेजों के सत्यापन के समय ऐसे 45 उम्मीदवारों का पता चला है जिन्होंने सरकारी के बजाय निजी संस्थानों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देने का काम किया था। इसकी वजह से ही मेरिट लिस्ट प्रभावित हुई थी। अब महीने में एक दिन बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय में जाएंगे उद्योग मंत्री। मई महीने से हर महीने कम से कम एक दिन के लिए उद्योग विभाग का कामकाज उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कार्यालय में करने वाले हैं, जिससे उद्यमियों और कारोबारियों को विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। खबरों की माने तो जिस दिन उद्योग मंत्री विभाग में मौजूद रहेंगे उस दिन उद्योग विभाग और वियाडा के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पीके अग्रवाल का कहना है कि नवनियुक्त ऊर्जा मंत्री आने वाले समय में बिहार के उत्थान के ये बेहतरीन काम करने वाले हैं। अब ईपिक के बदले इन दस्तावेज से भी कर सकते हैं पंचायत चुनाव में मतदान। बिहार पंचायत के चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने ईपिक के बदले आधार सहित अन्य 16 विकल्पों को साझा कर दिया है, जिसके तहत आयोग द्वारा जिन दस्तावेजों को मान्यता दी गई है उनमें आधार कार्ड, पेंशन दस्तावेज, स्वास्थ्य बीमा योजना, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, बैंकों और डाकघरों द्वारा जारी किया गया पासबुक, पैन कार्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सेवा पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, सांसदों, विधायकों और पार्षदों द्वारा जारी किए गए अधिकार पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, सशस्त्र लाइसेंस, संपत्ति दस्तावेज और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी शिक्षक, शिक्षेत्र कर्मी या विद्यार्थी फोटोयुक्त पहचान पत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। अब बिहार के हर ITI को प्रति अभ्यर्थी ट्रेनिंग के लिए मिलेंगे 4,775 रुपए। बिहार के सभी ITI के कायाकल्प को लेकर सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुकी है। इतना ही नहीं, सरकार की यह भी मंशा है कि ITI की हालत सुधारने में वहां शुरू होने वाले प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण मददगार साबित होने वाला है, जिसको लेकर के ही सरकार ने अब जिन 44,000 लोगों का प्रशिक्षण इन सरकारी ITI में करवाने की पहल की है उनके एवज में ITI को 4,775 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से देने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में हर सरकारी ITI को अपने लैब सहित दूसरे संसाधनों को सुदृढ़ करने के लिए कार की ओर नहीं देखना होगा। प्रशिक्षण से मिलने वाली राशि से वे खुद को अपग्रेड कर सकेंगे। श्रम संसाधन विभाग ने हाल ही में लोक अभियंत्रण विभाग संग एक समझौता किया है। लीची उत्पादन के मामले में चीन को पछाड़ेगा भारत। मुजफ्फरपुर के राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र में 7 वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक शोध की गई है, जिसके अनुसार लीची उत्पादन में भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में पहला स्थान पा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के 27 राज्यों में लीची की खेती के लायक भूमि और उपयुक्त जलवायु है। इन 27 राज्यों को मिलाकर 8 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन में लीची की खेती करने की योजना है, जिसमें 85 से 95 लाख टन लीची का उत्पादन हो सकता है। बताते चले कि इस रिसर्च में सभी राज्यों की मिट्टी एक किस्म की जानकारी के लिए मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग ब्यूरो नागपुर और क्लाइमेट के लिए इसरो से भी सहयोग लिया गया है।
बिहार में महिलाओं के लिए बनेंगे अलग डेयरी सहकारिता समिति। राज्य में डेयरी के विकास को लेकर नीतीश कुमार एक नई पहल करने जा रहे हैं। इसके तहत डेयरी का विस्तार गांव-गांव तक हो सके, इसके लिए सभी गांवों में महिलाओं के लिए अलग से डेयरी सहकारिता समिति बनाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जीविका दीदी को भी इस सहकारिता समूह में शामिल किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने इस क्रम में सभी जिलों, प्रखंडों और पंचायतों से लेकर सभी गाँव को डेयरी सहकारिता समिति के नेटवर्क से जोड़ने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि डेयरी के इस विस्तार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं देसी और स्थानीय नस्लों की गाय की नस्ल को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक 8 से 10 पंचायतों पर एक पशु अस्पताल बनाने की योजना पर भी काम शुरू किया जाएगा, जहां पशुओं को मुफ्त में इलाज और दवा देने की व्यवस्था की जाएगी। युवा राजद की तरफ से 23 मार्च को विधानसभा घेराव पर जगदानंद सिंह ने दिया बयान। बिहार में युवा राजद ने बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महंगाई, स्वास्थ्य चिकित्सा, संविदा कर्मी और शिक्षक अभ्यर्थी की नियुक्ति को लेकर 23 मार्च को विधानसभा का घेराव करने का ऐलान जारी कर दिया है, जिसके बाद अब इस मोर्चे को लेकर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि 23 मार्च का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। इसी दिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती भी है। जगदानंद सिंह ने आगे कहा है कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जेल के अंदर है, लेकिन उनके विचार वाले लोग बाहर है। इनकी ताकत 23 मार्च को विधानसभा के घेराव में दिखेगी। पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीण सड़कों को किया जाएगा दुरुस्त। बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग इस वित्तीय वर्ष में गांव में शहरों जैसी सुविधाएं मुहैया करवाने पर फोकस कर रही है। इसके तहत विभाग ने ग्रामीण इलाकों की टूटी फूटी सड़कों को मरम्मती का काम 15 दिनों के अंदर करने और खराब पड़ चुके नलों को भी 15 दिनों के अंदर ठीक करवाने का निर्देश दे दिया है। इसके तहत इस समय सीमा के भीतर जहां भी काम अधूरे पाए जाएंगे, वहां दोषी पाए गए अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं पंचायत चुनाव के बाद कई विकास योजनाओं को गांव में शुरू किया जाना है, जिसे में 7 निश्चय 2 के तहत सभी गांव में शहरों की तर्ज पर 12.5 लाख स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरा लगाने की तैयारी भी विभाग द्वारा की जा रही है। इंटर कॉपी मूल्यांकन में शामिल नहीं होने वाले शिक्षकों पर दर्ज होगी FIR। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में जिन परीक्षकों और MPP ने अपना योगदान नहीं दिया है, उन पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। बिहार बोर्ड ने इसके लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दे दिया है। इसके तहत हर केंद्र से शिक्षकों की उपस्थिति के संबंध में जानकारी ली जाएगी। आपको बता दें कि सभी केंद्रों पर परीक्षक और MPP को 4 मार्च को योगदान करना था, लेकिन जो 4 को नहीं कर पाए हैं उन्हें किसी भी स्थिति में 5 मार्च को योगदान करना था, मगर हर केंद्र पर 2 से 3 परीक्षक ने योगदान नहीं किया है, जिसको देखते हुए ही बोर्ड अब इन पर सख्त रवैया अपनाएगी। अप्रैल महीने में पर्यटकों के लिए शुरू हो जाएगा राजगीर जू सफारी। राजगीर यूं तो बिहार का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहले से ही है, मगर अप्रैल महीने में यहां पर्यटकों की संख्या और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि राजगीर नेचर एंड जू सफारी को अगले महीने अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि यह जू सफारी बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस जू सफारी में स्काई वॉक ग्लास ब्रिज बना है, जो देश का दूसरा और बिहार का पहला ग्लास ब्रिज है। इस पर एक बार में 20 से 25 लोग ही घूम सकेंगे। ग्लास ब्रिज से पर्यटक जू सफारी का भी दृश्य देख सकेंगे। सफारी में बाघ, शेर, तेंदुआ, भालू, हिरण के अलावा चिड़िया के लिए भी एक एवियरी होगी और तितलियों का भी एक पार्क होगा। आज से 2 दिन तक दिखेगा मौसम का बदलाव मिजाज। राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में 48 घंटों में मौसम अपना करवट बदलेगा। इस दौरान धूप की तपिश से लोगों को राहत मिलेगी। आने वाले 48 घंटे में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात क्षेत्र बनने के कारण बिहार में नमी की मात्रा लगातार बढ़ रही है। वहीं बीते 72 घंटों में नमी वाली पूर्वैया हवा का भी प्रवाह हो रहा है। इस कारण आज और कल बिहार के कई हिस्सों में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान और गरज होने की संभावना है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से मानी जाती है। भारत के तत्कालीन वॉइसरॉय लॉर्ड मेयो की जान लेने वाले शेर अली को 1872 में आज ही के दिन सजा दी गई थी। महात्मा गांधी को यूरोप में बने सामान को खरीदने और ब्रिटिश शासन की मशीनों के साथ काम करने के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन के लिए 1922 में ही अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। महात्मा गांधी ने 1930 में साबरमती आश्रम में दांडी मार्च की शुरुआत आज ही के दिन से की थी। भारत सरकार ने 1954 में साहित्य अकादमी का उद्घाटन आज ही के दिन किया था। 1984 में आज ही के दिन बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल का जन्म हुआ था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस को आज ही के दिन मनाया जाता है।
जाप अध्यक्ष पप्पू यादव करेंगे बंगाल में टीएमसी का प्रचार। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का समर्थन देंगे। इस क्रम में अलग अलग टीम बनाकर 12 शीर्ष नेताओं के नेतृत्व में पप्पू यादव टीएमसी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। इस बात की जानकारी पार्टी के कोर कमेटी की बैठक में दी गई है, जिसमें यह भी बताया गया है कि आने वाले पंचायत चुनाव में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पूरी भागीदारी होगी। इसके अलावा पार्टी ने 13 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा के रेल चक्का जाम को भी अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही पार्टी की तरफ से पटना जंक्शन को केंद्र बनाया जाएगा। बिहार के नीरज पांडे बने बंगाल के नए डीजीपी। बिहार के रहने वाले आईपीएस नीरज नयन पांडे को पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी बनाया गया है। पश्चिम बंगाल कैडर के 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी नीरज नयन पांडे काफी तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं। नीरज पांडे मूल रूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं, जो हाल ही में ममता बनर्जी के साथ विवादों को लेकर सुर्खियों में आए थे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वहां के डीजीपी वीरेंद्र को हटा दिया गया है। निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर इलेक्शन कमीशन ने ही आईपीएस नीरज नयन पांडे को बंगाल का नया डीजीपी बनाया है। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने दी गुड न्यूज। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने अपने फैंस को गुड न्यूज दी है। इसको लेकर कुछ समय पहले ही प्रियंका ने एक वीडियो शेयर किया था, उसमें उनके साथ उनके पति निक जोनस भी नजर आ रहे थे। शेयर किए गए इस वीडियो में प्रियंका कहती है कि वो दोनों ऑस्कर के नॉमिनेशंस का ऐलान करने वाले हैं। मुझे बताओ कि हम ऑस्कर के नॉमिनेशंस का ऐलान कर रहे हैं, बिना मुझे बताए कि हम ऑस्कर के नॉमिनेशंस का ऐलान कर रहे हैं। प्रियंका के इतना कहने के बाद वीडियो में निक जोनस भी नजर आते हैं, जो कहते हैं कि तुमने सभी को बता ही दिया है। इसके बाद वीडियो में प्रियंका क्यूट से एक्सप्रेशन देती भी नजर आती है। पृथ्वी शॉ के बल्ले से निकला एक और शानदार शतक। भारत के युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ का विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन जारी है। उनके बल्ले से इस टूर्नामेंट में एक के बाद एक शतक देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक के खिलाफ गुरुवार को भी टूर्नामेंट में सेमीफाइनल मुकाबले में अपना प्रचंड फॉर्म को बरकरार रखते हुए शतक जड़ दिया। उन्होंने अपनी 165 रनों पारी में 17 चौके और 7 छक्के लगाए। इस पारी के दम पर उन्होंने इस टूर्नामेंट में एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। पहले यह रिकॉर्ड मयंक अग्रवाल के नाम था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है ब्रजेश तिवारी, शिवम बाबू मौर्य, दिव्यांशु कुमारी, श्वेता रॉय प्रदीप, ब्रजेंद्र कुमार, साहिल कुमार, ज्योतिष कुमार, करण रॉय, राम पुकार सैनी, सोनू पटेल, रविन्द्र पासवान, शंकर मुखिया। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत और इंग्लैंड के बीच में आज से खेले जाने वाले T20 मैच में किसका पर राज ज्यादा भारी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।